मैं इम्तियाज अहमद YouTube चैनल ITZ इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले वाली पीरियड में हमने नाउन के केस के बारे में विस्तार से पढ़ा, जहां पर आपने समझा कि नाउन के कितने तरह के केस बनते हैं। नाउन का चार केस होता है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और वोकेटिव। तो इसके पहले वाली पीरियड में मैंने कहा था कि आगे की पीरियड में मैं नाउन का पॉजेसिव केस आपको बताऊंगा। आज के इस पीरियड में हम लोग नाउन का पॉजेसिव केस बनाना सीखेंगे। लेकिन सीखने से पहले कुछ आपकी और मेरी भी बातें हो जाएं, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। इसलिए देखें कि ये स्टडी एलिमेंट है, इंजॉय करने का वो टिकटॉक नहीं है कि एक दो मिनट के अंदर आप इंजॉय कर लें। स्टडी रेगुलर होनी चाहिए, इसलिए आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। और देखने के बाद अगर आपको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान मिले, वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अंत में आप कमेंट भी कीजिए, बिल्कुल बोल्डली, बिना झिझक का, वीडियो में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, स्पष्ट शब्दों में बताइए। आपके हर कमेंट का मैं वेलकम करूंगा, खुशामदीद करूंगा। आओ सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, नाउन का पॉजेसिव केस बनाना, ठीक है। तो आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि नाउन का पॉजेसिव केस बनाने में हम दो ही चीजों का प्रयोग करते हैं। एक तो हमारा ये एपोस्ट्रोफी एस होता है, ये जो आप मार्क देख रहे हो ना, ये एपोस्ट्रोफी होता है, एपोस्ट्रोफी। अगर ये एपोस्ट्रोफी किसी लेटर के ऊपर लगाया जाए तो ये एपोस्ट्रोफी होता है, लेकिन अगर यही लेटर के नीचे लगा दें तो वह आपका कॉमा बन जाता है। जैसे मैं इसको यहां यूज कर लेता हूं, एन के नीचे अगर यहां मैं रख दूं तो ये मार्क हमारा कॉमा हो जाएगा, अर्ध विराम हो जाएगा। लेकिन अगर यही मार्क मैं एन के ऊपर लगा दूं तो ये हमारा अपोस्ट्रोफी का मार्क हो जाएगा। और फिर हम रख लेते हैं एस, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस, जिसकी हिंदी बन जाती है का के की। नाउन का अगला जो पॉजेसिव केस बनता है वह ऑफ से बनता है। ऑफ एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब बनता है का के की, यानी नाउन का पॉजेसिव केस हम दो तरह से बना सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस के मदद से बना सकते हैं और फिर ऑफ के सहारे से बना सकते हैं। अब रही बात कि कहां हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे और कहां ऑफ यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप ऑफ को देखो, ऑफ जो होता है ये नॉन लिविंग के लिए होता है, यानी कि जब हमारा नाउन निर्जीव होता है, निर्जीव का मतलब जिसमें जान नहीं हो, जो खा पी नहीं सकता हो, चल फिर नहीं सकता हो, निर्जीव होता है। अगर हमारा नाउन निर्जीव है तो हम उसका पॉजेसिव केस बनाने में ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आकाश का रंग, आकाश का रंग। अब ये आकाश का रंग जो है, मैं इसको मिटा लेता हूं फिर आगे रखूंगा। आकाश का रंग जो है ये हमारा नाउन का पॉजेसिव केस बना है, और बना है कैसे, नाउन प्लस का आप प्लस नाउन। अब ये हमारा पॉजेसिव केस जब बना है तो इसका पॉजेसिव केस हम ऑफ से बनाएंगे। आर्टिकल के चैप्टर में दी के बारे में एक आपको रूल बताया जाएगा कि ऑफ से बनने वाले पॉजेसिव केस के साथ दी का प्रयोग अवश्य होता है।
द। सबसे पहले हम दी लिख लेंगे, इसका ट्रांसलेट हम उल्टा करेंगे, इधर से नहीं, बाएं से नहीं, दाएं से करेंगे। सबसे पहले रंग यानी कि कलर, का के की, चाहे का हो चाहे की हो चाहे के हो, उसके लिए हम ऑफ रख देंगे। आकाश स्काई, जब हम इसका हिंदी बनाएंगे तो इधर से चलेंगे, आकाश का रंग। अगर मैं, अब यह आपका पॉजेसिव केस बन गया, ठीक है। अगर यह पॉजेसिव केस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, तो सब्जेक्ट बनता है। और अगर अगर क्रिया में नंबर आया हो सिंगुलर या प्लुरल, तो आप याद रखो कि ऑफ के पहले वाले नाउन के हिसाब से हमारा वर्ब होता है। जैसे द स्काई इज, द स्काई इज ब्लू। अब यहां कलर जो है सिंगुलर है, इसलिए हम इसके अनुसार इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इज हमारा सिंगुलर होता है। फिर अगला एग्जांपल यहां देखो, भारत की राजधानी कैसे बनाएंगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये रहा आपका ऑफ से बनने वाला नाउन का पॉजेसिव केस। अब थोड़ा हम विस्तार से और बारीकी से एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सीखें। एपोस्ट्रोफी एस का पहला प्रयोग हम लिविंग बीइंग यानी के सजीव के लिए करते हैं। जब कभी भी हमारा नाउन सजीव होता है, सजीव का मतलब होता है जिसमें श्वसन, अधिग्रहण, पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन की जिसमें क्रियाएं होती हैं, वह नाउन सजीव होता है। अगर नाउन हमारा सजीव है और उसका पॉजेसिव केस बनाना है, तो उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे दो चार एग्जांपल आप देखो, मोहन्स फादर, मोहन के पिताजी, चिल्ड्रेंस टॉयज। अब मोहन सजीव है, चिल्ड्रेन सजीव है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। फिर वुमेन्स नेचर, नारियों का स्वभाव, काउस मिल्क। याद रहे कि बड़े जीवों के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे बड़ा जीव काउस, डॉग भी बड़े जीव के अंदर होता है। डॉग के नीचे जो भी जीव होगा वह बड़ा नहीं माना जाता है। तो डॉग से लेकर के जितने भी बड़े जीव मिले, आप वहां अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे काउस मिल्क, या दी डॉग डॉग्स नेम, कुत्ते का नाम, ठीक है। अब एक और चीज देखो, अगर कोई नाउन एंड से जोड़ा जाए तो क्या दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है। एग्जांपल देखो आप, एडम एंड ईव। एडम ये फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, आदम और हव्वा। अब ये दो नाउन है ना, तो ऐसा करें कि जब दो नाउन एंड से जोड़ दिए जाएं और उनको हमें पॉजेसिव केस में रखना हो, तो अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज किया जाएगा, ठीक है। अब एडम्स एंड इफ्स ऐसा नहीं होगा, अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस रखते हैं, पहले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। एडम एंड इफ्स चिल्ड्रेन, आदम और हव्वा के संतान। अगला एग्जांपल इसे, वर्ड्सवर्थ एंड मिल्टन्स ध्यान रहे। अब वर्ड्सवर्थ के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे,
मिल्टन के साथ यूज करेंगे, वर्ड्सवर्थ एंड मिल्टन्स पोएट्री। तो ये तो रहा अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग सजीव के साथ। अपोस्ट्रॉफी एस का अगला प्रयोग जो होता है वह उस तरह के नाउन के लिए होता है जिसको पर्सनिफाइड किया गया है, यानी कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के लिए अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा आप पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट समझो। जब हम किसी नाउन का प्रयोग एक विशेष नाउन के लिए करें तो उस दशा में वह नाउन पर्सनिफाइड हो जाता है, निजी बन जाता है, पार्टिकुलर बन जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझा देगा, आओ देखते हैं। जैसे मैं कहूं डेथ, डेथ मतलब मृत्यु, डेथ्स डोर मृत्यु का द्वार। अब यहां डेथ को पर्सनिफाइड किया गया है। डेथ का मतलब कष्ट भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, पीड़ा भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकता है, यानी कि आपने यहां डेथ को पर्सनिफाइड किया है। फिर इंडियास फ्यूचर, भारत का भविष्य। अब भारत एक देश है, भारत एक देश है, आपने इसको पार्टिकुलर बनाया है, पर्सनिफाइड किया है। अगला एग्जाम्पल, जैसे नेचर होता है, नेचर मतलब प्रकृति होता है, नेचर का प्रयोग हम गॉड के लिए करते हैं। तो जब हम नेचर का प्रयोग गॉड के लिए करते हैं तो एन जो है नेचर का पहला लेटर, आप इस नेचर वर्ड को बीच में लिखो, अंत में लिखो, कहीं भी लिखो, एन इसका कैपिटल होता है। अब हमने प्रकृति के शब्द को पर्सनिफाइड किया, नेचर्स ऑर्डर, ईश्वर का आदेश, ईश्वर का आदेश। अब इन सभी एग्जांपल्स में पहले में डेथ, दूसरे में इंडिया, तीसरे में नेचर, ये सारे नाउंस पर्सनिफाइड हैं। यानी कि इस कंडीशन में हम ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग। अपोस्ट्रॉफी एस का अगला प्रयोग हम उस नाउन के लिए करते हैं जो नाउन डिनोट करता हो, किसको, टाइम को, वेट को और फिर मनी को। खासतौर से तीन चीजें, टाइम, वेट और मनी। एग्जाम्पल के तौर पे टाइम के बारे में आप देखो कि कैसे कोई वर्ड टाइम को डिनोट करता है, कोई नाउन टाइम बतलाता है, और टाइम बतलाता है तो उसका प्रयोग हम पॉजिटिव केस बनाने में ऑफ का नहीं करेंगे बल्कि अपोस्ट्रॉफी एस का करेंगे। जैसे अ ईयर्स टाइम। अब ईयर या टाइम ये दोनों के दोनों नन एलिव हैं, होना तो चाहिए था कि इनके साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता, लेकिन अगर कोई नाउन टाइम को डिनोट करता हो, वेट को डिनोट करता हो, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखो, अ वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी। अब वेट देखो, एक किलो का वेट, एक किलो का वेट कितना होता है, ऐसा देखें, अ किलोस वेट, अ मंथ्स वेट। एक किलो का वजन, एक मन का वजन, तो ये टाइम और वेट रहे। अब मनी का देखो एक एग्जांपल, अ पाउंड्स, सॉरी अ पाउंड्स वैल्यू, एक पाउंड का वैल्यू।
तो इस तरह से अगर कोई नाउन टाइम को, वेट को या फिर मनी को डिनोट करता है तो उसके लिए हम ऑफ के बदले एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हमारा एपोस्ट्रोफी पॉजेसिव प्रोनाउन बनाता है। एपोस्ट्रोफी का अगला प्रयोग हम पॉजेसिव प्रोनाउन बनाने में करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, पहले आप प्रोनाउन का बदलता हुआ केस समझ लो। जैसे आई, माई, माइन, मी, फिर एक मैं रख लेता हूं, यू रख लेता हूं, यू, योर, योर्स, यू, ये आपका नॉमिनेटिव केस है प्रोनाउन का। नॉमिनेटिव केस, ये दोनों पॉजेसिव केस है जहां पर माई और योर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आगे की पीरियड में मैं इसके बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। थोड़ा शॉर्ट में आज इसलिए बता रहा हूं कि अभी कुछ और एलिमेंट आपको बताने हैं। तो ये माई योर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माइन जो है ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। यानी कि पॉजेसिव केस का पहला जो रूप होता है आई के बाद माई, ये तो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि तीसरा जो इसका फॉर्म होता है ना वह शुद्ध रूप से प्रोनाउन होता है। इसको बनाने में हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो आप लिखते हो राम की गाय, राम की गाय, तो गाय तो भाई काऊ हो जाएगी, लेकिन राम की अंग्रेजी आप क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे राम्स काऊ, सॉरी काऊ रहने दीजिए, राम की तो राम्स। अब अगर मैं कहूं राम की, अब अगर मैं कहूं आपकी, तो आपकी का क्या बनना चाहिए, आपका होना चाहिए योर, आपकी का अंग्रेजी एपोस्ट्रोफी एस योर्स। लेकिन यहां रूल कहता है कि प्रोनाउन का पॉजेसिव केस बनाने में हम एपोस्ट्रोफी एस की जगह केवल एस का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमें एपोस्ट्रोफी को अवॉइड करना होगा, इसको छोड़ देना होगा। अब योर्स, तो इसका हम लिखते हैं योर्स, ठीक है। देयर, देयर्स, ये हमारा प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है जो कैसे बनाया जा रहा है, तो अपोस्ट्रोफी एस से। यहां हमने अपोस्ट्रोफी का जो मार्क है छोड़ देना पड़ता है, केवल और केवल हम एस लेकर के प्रोनाउन का पॉजेसिव केस बनाते हैं, ठीक है। अब दो तीन और खास एलिमेंट आप देख लो। अपोस्ट्रोफी एस का अगला प्रयोग हम एब्रिविएटेड लेटर के लिए करते हैं, मतलब जब हम किसी शब्द को एब्रिविएट करते हैं, उसका संक्षेपण करते हैं, तो एब्रिविएटेड लेटर के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एब्रिविएटेड फॉर्म है, अब हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। MP's ड्यूटी, सांसद का कर्तव्य, ठीक है। जैसे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अब इसका बनाएंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव MLAs, MPs, MLAs, MLAs परफॉर्मेंस।
तो एबिविएटेड लेटर का पॉजेसिव केस बनाने में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, एक और समझो, अगर किसी नाउन के अंत में एस लगा हो, यानी कि नाउन प्लस एस हो या डबल एस हो, तो इसका पॉजेसिव केस बनाने में हम एपोस्ट्रोफी एस के बदले में केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये। अगर किसी नाउन के अंत में एस लगा हो या फिर डबल एस लगा हो, तो हम एपोस्ट्रोफी और एस दोनों यूज नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है, एस को अवॉइड करते हैं। जैसे मान लीजिए चार्ल्स का नियम, चार्ल्स तो एक वैज्ञानिक था, कहेंगे चार्ल्स, अब चार्ल्स के अंत में एस आया है, अब एपोस्ट्रोफी और एस दोनों नहीं लेंगे, सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी का मार्क लेंगे, चार्ल्स लॉ। ठीक है, लड़कों का स्वभाव, अब लड़कों तो बॉयज, अब बॉयज के अंत में एस लगा है, अब हम क्या लेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लेंगे, बॉयज नेचर। तो ये रहा नाउन का पॉजेसिव केस। आपने अच्छी तरह से समझा कि नन एलिव के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के जो नाउन्स होते हैं, जैसे कि सजीव होता है या फिर पर्सनोफाइज्ड होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, तो इस तरह के प्रयोग में हम ऑफ का नहीं बल्कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब आप इन सारे रूल्स को अच्छी तरह से समझो, एक बार नहीं, एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो दो बार देखिए, तीन बार देखिए, और देखने के बाद आप रूल्स को अपने प्रैक्टिकल में उतारिए। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगी।